वो जेल में होंगे, अंडो वाली कर्मो जल में होंगे। अच्छा देखिए, चलिए अंडे की बात करते हैं। एक संजय जोशी जी से, अमित जी मेरा एक सवाल आपसे, बीजेपी वालों ने, अमित जी मेरा एक सवाल है, ये मोनोलॉग नहीं है, उसमें सुना कांग्रेस का मोनोलॉग वैसे खत्म हो गया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अमित जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, देखिए बीच में बोल रहे हैं अमित जी, इनको मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सुशील कुमार शिंदे, जी 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 जी, सुधांशु दा, एक एक अमित जी, छोटा सवाल है, छोटा सवाल है अमित जी, ये देखिए इनकी आदत है, ये इनकी आदत है, ये लगातार बोलते हैं, कुछ सेंस तो निकलता नहीं है। अमित जी मैं एक 10 सेकंड का सवाल पूछ रहा हूँ, दर्शकों के लिए जरूरी सवाल है, अमित जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप उनका ऑडियो अगर चाहिए तो डाउन कर सकते हैं या वो बोलते रहे लगातार। अमित जी मेरा सवाल आपसे ये है, ये मोनोलॉग नहीं है ना, मोनोलॉग बोधित तो शेजार, एक सेकंड, क्योंकि बीजेपी पे सवाल खड़ा हुआ, मुझे मुझे सुधांशु जी को लेना पड़ेगा, सुधांशु जी को दिखाइए, सुधांशु त्रिवेदी वो कह रहे हैं कि महत्वाकांक्षा, मैं शेजाद आपको मौका दूंगा, सुधांशु त्रिवेदी महत्वाकांक्षा नेता रख रहे हैं तो हम क्या करें, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादा बीजेपी को कांग्रेस कोसती है, लेकिन कांग्रेस को नोचने वालों में सपा भी पीछे नहीं है, आज की डेट के अंदर टीएमसी भी पीछे नहीं है, जिनके साथ बहुत ज्यादा रिश्ते करीबी बताए जा रहे थे, यानी कुल मिलाकर जिस पार्टी को जितना मौका मिलता है वो अपना खेल कर देता है। मतलब शरद राव पवार को मैं बहुत वेटरन मानता हूं इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, वो कहते हैं कांग्रेस एक खंडर है, अब एक खंडर हवेली की तरह। मुदित जी एक बात बोल रहे थे कि जो ग्रास रूट से लीडरशिप थोपी नहीं जा सकती, कमाई जा सकती है, उन्होंने सैद्धांतिक रूप से अच्छी बात बोली, पर मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से जितने प्रधानमंत्री जी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नैसर्गिक रूप से उठकर आए हुए कार्यकर्ताओं के नेता थे, उन व्यक्ति के रूप में मैं उनका सम्मान करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, नॉलेजेबल व्यक्ति थे, ये भी सही है। पीवी नरसिम्हा राव भी एक व्यक्ति के रूप में बहुत विद्वान थे, पर वो नैसर्गिक नेता थे, या एक बुजुर्ग नेता जो बहुत अस्वस्थ था उसको बनाया गया, चलो आपस की लड़ाई हम बाद में निपटा लेंगे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी 2 साल पहले तक तो हवाई जहाज उड़ा रहे थे, 82 में बने सांसद और 84 में सीधे प्रधानमंत्री, एक दुखद मृत्यु की सहानुभूति बटोरने के लिए बनाए गए। इंदिरा जी इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में बैठाई गई, कोई चैन होकर नहीं आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सारी के सारी कांग्रेस कमेटियां सरदार पटेल के पक्ष में थी, मगर गांधी जी की कृपा से बन गए। और फिर मैं एक बात कहता हूं, किसी को हो सकता बुरा लगे, महात्मा गांधी, उन्हें राष्ट्रपिता भले ही कहा जाता है, परंतु 1939 हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन, उन्होंने कहा कि पट्टा भी सीतारमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ, और पट्टा भी रमैया हार गए। यह इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस के अंदर गांधी जी से ज्यादा लोकप्रिय सुभाष थे। तो अब आप समझ लीजिए जो इन्होंने कहा ना, कांग्रेस में गांधी परिवार ने नेतृत्व पाया है, अरे हमेशा नैसर्गिक जमीनी नेतृत्व को किनारे लगाया है, ठिकाने लगाया है, और पिछले 20 वर्षों में यह प्रवृत्ति जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। हां हम बताते हैं, हमने 2 प्रधानमंत्री दिए, आदरणीय अटल जी और आदरणीय मोदी जी, उनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले किसी भाजपा कार्यकर्ता से नहीं, अमित जी राह चलते आदमी से पूछिए, भाई क्या किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, वो कहता था मोदी जी को बनना चाहिए। अटल जी के जमाने में लोग 10 साल से कहते थे इनको बनना चाहिए, कार्यकर्ता हो, जन सामान्य हो, नेता हो, सब कहते थे कि हमारी इच्छा है कि यह प्रधानमंत्री बने। अरे मैंने खुद अनुभव किया है 2013 के दौर में जब राजनाथ जी अध्यक्ष थे, कितने लोगों ने मुझसे कहा कि मोदी जी आएंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। यह होता नैसर्गिक नेतृत्व, क्षमता योग्यता के आधार पर बढ़ा हुआ नेतृत्व। और मैंने जो उदाहरण दिए वो ये होता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने खुद सोनिया जी की उपस्थिति में प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक का विमोचन करते हुए लिखा कि जब मुझसे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणव दा आप सबसे योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझसे कहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए। ये मोदी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और जो मोदी जी है वो है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। में तो और भी बहुत कुछ है कि कैसे रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई जाती थी और कैसे बनती थी। मोदी अग्रवाल जवाब दीजिए, लोकप्रियता के आधार पर, काबिलियत के आधार पर जवाब, 40 सेकंड जवाब दीजिए, फिर शहजाद में आपको मौका दिया। सुन लीजिए जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए सबसे पहले ये इनको राजनाथ जी से पूछना चाहिए जो नेहरू जी की बड़ी तारीफ करते हैं। पहली बात, नेहरू जी खुद अपने दम पे इलेक्शन जीते थे,
1951 का ध्यान होना चाहिए। राजीव गांधी जी खुद इलेक्शन जीते थे 1984 में, इंदिरा गांधी जी खुद अपने लीडरशिप के अंदर इलेक्शन जीती थी। तो ये जो बोल रहे हैं मुझे नहीं पता क्या बात कर रहे हैं, इनको जरा सोच समझ के बात करनी चाहिए। देखिए जहां तक इन्होंने दूसरा सवाल सुभाष चंद्र बोस जी का किया था, सुभाष चंद्र बोस जी नेहरू जी और महात्मा गांधी जी में बड़े अच्छे रिश्ते थे, शायद इनको पता नहीं, मैं सुधांशु त्रिवेदी जी को बना देता हूं। जो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी उसके 4 रेजिमेंट थे, एक रेजिमेंट का नाम उन्होंने नेहरू जी के ऊपर रखा था, एक महात्मा गांधी जी के ऊपर रखा था, एक अपने ऊपर रखा था, एक मौलाना आजाद साहब के ऊपर रखा था। उनके अंदर बड़ी अच्छी घनिष्ठ मित्रता, एक दूसरे का सम्मान करते ये थे। फैक्ट बता रहे हैं, बीजेपी की बात करते हैं, जब जब लास्ट ये फैक्ट है, फैक्ट दूसरा सुन लीजिए ध्यान से, नहीं नहीं बिल्कुल आप भी फैक्ट बता रहे होंगे, ये भी फैक्ट है, जब ये भी फैक्ट है, लेकिन 1984 में इंदिरा जी का दुखद निधन हुआ, उनकी हत्या की गई, उसके उस सहानुभूति लहर पे राजीव गांधी आए थे, ये फैक्ट है। मनमोहन सिंह सोनिया जी की कृपा से बने थे, ये फैक्ट है। पीवी नरसिंह राव किस लड़ाई में बने थे प्रधानमंत्री, वो सबको पता है। इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, ये सबको पता है। इसमें कोई ढकी छुपी बात है क्या? 71 में आप भूल जाते हैं और 80 में लोगों ने मुझे भूल जाते हैं। जब वाजपेयी जी दोनों बारी प्रधानमंत्री बने, दोनों बारी उनको मेजोरिटी नहीं मिली थी, दोनों बारी वाजपेयी जी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, तो वाजपेयी जी कोई लोगों ने नहीं बनाया था, वो कोलिजन बना के बने थे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है वाजपेयी जी को कहते हैं लोगों ने जिताया, ठीक है, वाजपेयी जी को सुधांशु आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन शहजाद को मुझे 30 सेकंड देने होंगे, वो लगातार हाथ खड़ा करें। शहजाद, वाजपेयी जी लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह बड़े लोकप्रिय हैं, उनको पब्लिक ने बनाया था प्रधानमंत्री। वाजपेयी जी को मेजॉरिटी कहां मिली थी सर? बीजेपी, आप उस चुनाव को भलीभांति देखिए, बीजेपी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस करके चुनाव में गई थी, मेजॉरिटी मिली थी राजीव गांधी जी को। शहजाद बोले, आप लगातार नहीं बोल सकते ना मुदित जी, कांग्रेस को ही पूरा वक्त मिला है ना आज। शहजाद बोलिए आप 30 सेकंड, आप टोकते रहते ना अमीश जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस में इतनी स्वस्थ परंपराएं हैं, तो सुशील कुमार शिंदे मुझे लगता है सबसे वरिष्ठ नेता है यहां पर जो भी बैठे, उनसे उन्होंने क्यों कहा कि जो चर्चा की एक प्रवृत्ति थी कांग्रेस पार्टी में पूर्ण तरीके से खत्म हो चुकी है। गुलाम नबी आजाद ने क्यों कहा 50 वर्षों से इलेक्शन नहीं हुआ है, और ये कहते हैं कि चलिए लोकप्रियता है लोगों की, तो ये ऐसी कैसी लोकप्रियता है कार्यकर्ताओं की कि अमेठी में लोकप्रियता नहीं दिखी, जो आपका गढ़ है वहां पे तो चुनाव हार गए, और आप कहते हैं कि कार्यकर्ता अगर उनका चयन किया जाए तो 99% लोग बोलेंगे कि राहुल गांधी नेता हो। चलिए प्रियंका वाड्रा ने महासचिव बनने से पहले कितने दिन बिताए थे पार्टी में, उनको डायरेक्ट महासचिव बनाया, 2 सीट आती थी 1 सीट बन गई, तो उन परफॉर्मेंस का जो आपने चाबुक चलाया है कैप्टन अमरिंदर सिंह पर, वो चाबुक प्रियंका वाड्रा पर क्यों नहीं चलता, वो चाबुक परिवार के कोई और नेता पर क्यों नहीं चलता, ये केवल अमरिंदर सिंह, केवल बाकी के नेताओं पर क्यों परिवार परफॉर्मेंस का चाबुक चलता है? तो ये बताता है कि इनको परफॉर्मर नहीं केवल परिवार के लोग चाहिए, इनको दरबारी चाहिए जो देशभक्त नहीं और दल हित को नहीं बल्कि सिर्फ परिवार की बात करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड 30 सेकंड